गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.1. इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. राइट, हमें क्या करना है, कॉमास इंसर्ट करना है और इन नंबर्स को हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्डिंग्स में लिखना है. ठीक है, सबसे पहले कॉमास इंसर्ट करना है. तो कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 lakh, after that 10 lakh, right? That means this 10 lakh and crore. That means this number is 8,75,95,762. And we know that जो commas होते हैं कैसे family के according apply होते हैं, right? इसे एक family माना जाता है. That means comma यहाँ apply होगा. उसके बाद ये 1000 family है, comma यहाँ apply होगा. And this is her lakh family, comma यहाँ apply. राइट, एंड हम इसे कैसे रीड करेंगे, 8,75,95,762. राइट, तो हमने कॉमास इंसर्ट कर लिए. आफ्टर दैट हमें इन्हें न्यूमरल्स में लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी बस इसको लिखना है 8,75,75,00,000. राइट, 95,000 एंड 700 762. राइट, तो हमने इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लिया है 8,75,95,762. राइट, और कॉमास भी प्लेस कर लिए हैं. देन सेम इसके जो पार्ट्स हैं बी सी एंड डी सेम एज इट इज द पार्ट ऑफ ए, सेम एक ही तरह है, वो आपको खुद से ट्राई करना है. राइट, देन क्वेश्चन नंबर फोर, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. सेम क्वेश्चन है लेकिन हमें यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करना है न्यूमरेशन में. राइट, अगेन हमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने हैं, आफ्टर दैट उन्हें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही लिखना है. और वी नो दैट मैंने यहाँ लिखा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे प्लेस वाली चार्ट कैसे बनता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, इस अकॉर्डिंग होता है. राइट, देन हम यहाँ भी ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, आफ्टर देन 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. दैट मीन्स अब अप्लाई कॉमास कैसे अप्लाई करेंगे, अगेन ये तीनों फैमिली के मेम्बर्स हैं एंड दिस इज 1000 फैमिली एंड दिस इज मिलियन फैमिली. राइट, तो इसे कैसे रीड किया जाएगा, 78,921,092, वही हम वर्डिंग्स में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. राइट, तो कैसे लिखेंगे, 78,921,092. Right? This is the international system of numeration. And again, part B, C, and D are in homework. Okay? उसको भी as it is ऐसे ही करना है, जैसे क्वेश्चन ये है. Right? Then today this exercise 1.1 is finished. Then next class we will discuss about next exercise. Thank you and have a nice day.